ये बना दिए। बना दिया तुम पागल हो गए हो क्या यार? कभी बोलते रैंडम डायग्राम बना दे, कभी बोलते स्फीयर बना दे, स्फीयर बना दो तो बोलता सेंटर होना चाहिए। जी पागल हो यार, तुम्हारा भी सही नहीं है, खुश मत होना। राइट, वो तो बहुत ही बड़ा वाला है। ओके चल, देखिए कितनी बेइज्जती करा सकता है तू अपनी। ठीक है भाई, बना दिया, अब असली बेइज्जती शुरू होगी। हाँ बोल। डीए इज 4πr² ये इंटीग्रल ई डॉट डीए है। और क्या हो रहा है देखो, सच्ची बात क्या है, सच क्या है भाई, आंसर अपन को मालूम है कि आंसर क्या है, क्यू बाय 4πr² एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये ई है तो थोड़ा सा बैक कैलकुलेट करें तो यहां पे भी एरिया तो दिख ही रहा है, तो इसको e इंटू 4πr² जितना जल्दी हो सके, लॉजिक वॉजिक जाए साला भाड़ में, ये लिख दे बस किसी तरीके से, तो आ गया आंसर। यही आपका आर्ग्यूमेंट, यहां पर भी फील्ड वही आ रही है आपके लॉजिक से। यदि लॉजिक ये है कि स्फीयर में बंद है उसका एरिया 4πr² है, बच्चों ध्यान दे रहे हो कि नहीं, तो यहां पर भी फील्ड यही आ जाएगी। डू यू थिंक यहां पे सब जगह फील्ड सेम होगी? कैन यू सी हिज फुलिशनेस? कैन यू सी योर ओन फुलिशनेस और नॉट? ये होता है आंसर से उल्टा लॉजिक बनाने में, ये होता है आंसर से फिजिक्स बनाने में। होता क्या, वो वाला आंसर तो आ जाता है पर बाकी सारे, बाकी जितने भी एन है, एन माइनस वन गलत हो जाते हैं। फॉर दैट वन यू क्रिएट एन माइनस वन मिस्टेक्स। जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे थे उसके लिए तो सेंटर बैठने की जरूरत ही नहीं है। यहां से यहां का मिसिंग लिंक वो ही मुझे सिखाना है, और वो गणित की इक्वेशन से नहीं आ पाएगा। मैं कुछ भी कर लूं, जब मैं इसको फिनिश करूंगा ना, तब भी गणित की इक्वेशन करीब करीब यही रहेगी। बीच में हो सकता है एक छोटी मोटी चीज ऐड कर दूं, मैं जो बोलूंगा इसके बीच का लॉजिक, इसके बीच की फिजिक्स, वो लिखाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है मैथमेटिकली। आंसर तो आ गया, बट इसका भी तो आ गया, और इसका ही क्या, इसका भी यही है, सबका यही है। फिर तो फिर व्हाट इज द मिस्टेक हियर, हु विल टेल मी व्हाट इज द मिस्टेक कमिटेड? ई हर जगह सेम नहीं होगा, जबकि वहां बाय चांस क्या हो रहा है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पहले से मालूम है, हमें डायरेक्शन पहले से मालूम है, तो हमने चीटिंग करके ऐसा सरफेस चुना है जिसमें ई और डीए वेक्टर पैरेलल थे और ई का मैग्नीट्यूड सब जगह सेम था, इसलिए कोइंसिडेंटली आंसर आ गया। और फिजिक्स में ऐसे कोइंसिडेंस कराना बहुत आसान काम है। आई बात समझ में? लेकिन यदि हम ये मान के ही सवाल सॉल्व करेंगे कि हमें ई मालूम है, तब तो बेईमानी कर रहे हैं ना हम। हमको तो ये मानना पड़ेगा कि ई हमें मालूम नहीं है, फिर गॉस लॉ से आंसर आया तो गॉस लॉ कोई यूजफुल है, नहीं तो बेकार सा लॉ दिख रहा है मेरे को। क्यों दिख रहा है बेकार सा लॉ? मैंने अभी तक ये आपको रिवील नहीं किया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक कि ई निकालने के लिए दिस इज नॉट अ वेरी गुड लॉ। व्हाई इट इज नॉट अ वेरी गुड लॉ? बिकॉज इफ आई गिव यू समथिंग लाइक दिस, दैट एक्स वैक्टर डॉट वी वैक्टर
is equal to 4, where V is known, can you find X vector? Can you find X vector? You cannot find X vector. Why you cannot find X vector? आपको V vector के along वाला component मिल जाएगा X का, लेकिन जो उसके अलावा वाले component होंगे वो नहीं मिलेंगे। इसी तरह से यहां पर हम जब dot product कर रहे हैं तो हम E के दो component तो खाई जा रहे हैं, तो ये E निकालने के लिए बना नहीं है, बहुत unnatural है ये E निकालने के लिए। ये बात समझ रहे हैं? दिस इज नॉट डिजाइन टू फाइंड ई। इनफैक्ट आप देखिए ना, इतने सारे सवाल मैंने आपको दिए, करीब 15 सवाल आप लोग करके आए होंगे, एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि ई निकालो इसको यूज करके। और मैंने आज बिल्कुल उल्टी बात करनी शुरू कर दी, बोला इसको यूज करके चलो ई निकालते हैं। इसकी डिजाइन ही नहीं है ई निकालने की। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसमें अपन चीटिंग करके जरूर कर लेते हैं। कई लोग जिनको गॉस लॉ नहीं आता है पढ़ना पढ़ाना, वो इस तरह से बोल देते कि गॉस लॉ में जो है फ्रॉड करके निकलती है फील्ड। अरे फ्रॉड नहीं मारते, समझ में आई बात? ऑलराइट, ये ई निकालने के लिए नहीं बना है, और हम निकालेंगे भी ई तो बहुत सोच समझ के निकालेंगे, ऐसे नहीं निकाल सकते ई। कि गणित की इक्वेशन से तो आ रहा है ना, पर गणित की इक्वेशन तो फिर ये भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, फिर तो हम किसी के लिए भी गलत गलत फील्ड बताते रहेंगे। तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस टू यूज गॉस लॉ। तो मैंने पहले इसके मिसयूज पे ज्यादा बात करेंगे, यूज से भी ज्यादा मिसयूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडक्टर्स में फिर जाके फंसेंगे अपन। यदि अपन ने इसका मिसयूज पे ध्यान नहीं दिया तो कंडक्टर में जाके गलत सलत आंसर दे रहे होंगे अपन। लॉजिकली इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। अब मैं कुछ नहीं मदद कर सकता यहां पर। मैंने पहले ही कहा था हम दो हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट ह्यूमन इंटेलेक्ट का काम पढ़ रहे, एक साथ जिन्होंने उस पर काम किया, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड मेरे हिसाब से तो किंग ऑफ फिजिक्स, राइट, माइकल फेरेडे और कॉस, दो बड़े बड़े लोगों का काम एक साथ, और अपन जैसे कम दिमाग के लोग। शुरू करूं मैं? सो हियर वी स्टार्ट। हमारा लॉजिक ऐसा होना चाहिए बच्चों जो ना केवल इसमें काम करे, परंतु जब ये ना हो तो हम अटक जाए, आगे ना बढ़ सके। यू गॉट इट? ऑल राइट, सो हियर इज द लॉजिक। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, इतना सिंपल है कि आप लिख भी नहीं पाएंगे। ऑल राइट, इट इज टू सिंपल। हमने गॉसियन सरफेस बनाई जिसका सेंटर चार्ज क्यू पे होना चाहिए और आर रेडियस का स्फीयर है। इससे भी पहले कुछ चीजें होती है। ऑल राइट, ये रट्टा मार के किताब में सीधे ये दे दिया जाता है, अपन रट्टा मार लेते हैं कि सॉल्व करने के लिए ऐसी गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्या सपना आता है क्या ऐसी गॉसियन सरफेस बनाते? नहीं। इवन टू बिगिन दिस, इवन टू डू दिस, पहली बात तो इस साइड पे तो ध्यान ही मत दीजिए, फॉरगेट अबाउट इट। वी वॉन्ट टू इवेल्युएट दिस, भाड़ में गया वो वाला साइड, कुछ नहीं, हमको सिर्फ इसका इवेल्युएशन करना है। ये दिमाग में रखिए पहली चीज, भूल जाइए क्यू एन वी एन से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऑलराइट, और इसका इवेल्युएशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्लोज सरफेस बनानी है। तो यदि हम सोचेंगे कि कौन सी बना सकते हैं जिससे फायदा होगा तो कोई मतलब है। यदि हम नहीं सोचेंगे भाई क्यूब क्यों नहीं बनाते थे, क्यूबॉइड क्यों नहीं बनाते थे, ये तो रैंडम तक भी उतर आए थे, फिर जैसे मैंने रैंडम बनाया इनको, ये तो सच में रैंडम बना दिया। अरे ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो हम कैसी सरफेस बनाए जिससे प्रॉब्लम थोड़ी इजी सॉल्व होगी, ये हमें सोचना है। ये कॉस कर आप रटके भी जा सकते हैं कि भाई पॉइंट चार्ज के लिए और स्फीयर्स के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनती है, लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर बनता है एक्सियल, और प्लेन शीट के लिए लेटरल सिलेंडर बनता है। ये रट्टा मार के चले जाए, काम हो जाएगा आपका। लेकिन जेई वाले जब देंगे तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ करके देंगे आपको, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। शुरू करूं? ऑलराइट, हियर वी गो। तो ये पॉइंट चार्ज क्यू है, ओके? हम को इसकी फील्ड नहीं पता है, वी नो दैट, बट स्टिल आई कैन प्रेडिक्ट कि यदि मैं इससे आर दूरी पर फील्ड लिखूंगा, इसका अफेक्ट लिखूंगा,
तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं आ सकता. इट कैन नॉट हैव अ फील्ड इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन. आई कैन प्रूव इट. द प्रूफ इज सो सिंपल यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. सिंपलेस्ट थिंग्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इट इज सो सिंपल कि समझ में नहीं आएगा प्रूफ. हियर आई गो फॉर द प्रूफ. ओके, मान लेते हैं टेंजेंशियल है. आपको क्या तो मान लेते हैं टेंजेंशियल ही फील्ड है. राइट साइड में अप है. ओके, राइट साइड में अप है. मैंने ऐसा मान लिया. यदि थोड़ा बुद्धि पे जोर डालें तो यू वुड रियलाइज कि यदि लेफ्ट साइड में लिखनी होगी तो डाउन लिखनी पड़ेगी. क्यों डाउन लिखनी पड़ेगी, इसका भी आर्ग्यूमेंट मैं दे सकता हूं. मैं वेट कर रहा हूं, बाद में दूंगा. लेकिन जिनको नहीं समझ में आया राइट साइड में डाउन क्यों लिखनी पड़ेगी, वेट, क्योंकि सेम आर्ग्यूमेंट मैं अभी वापस रिपीट करूंगा. ठीक है, या समझाऊं? राइट, इधर अपमान है तो इधर डाउन मान लिया मैंने. दोनों अपमान के भी प्रूफ कर दूंगा. ठीक है, ये मान लिया मैंने. कोई तकलीफ यहां तक भाई? या तो लेफ्ट साइड में डाउन होगी या आप होगी, इधर हुआ अपमान है, इतना तो कह सकता हूं मैं. और ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट दुनिया को घुमा देता हूं. घुमा देता हूं दुनिया को, घुमा दिया मैंने. यदि मैंने घुमा दिया तो इधर फील्ड नीचे और इधर फील्ड ऊपर आ गई. घुमाने से चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज हुआ? घुमाने से चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन फील्ड चेंज हो गई. सो इज इट पॉसिबल टू हैव अ फील्ड विच इज डिफरेंट फॉर सेम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन? इसका मतलब दिस फील्ड इज नॉट फॉलोइंग द आइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ स्पेस. दिस इज एक्चुअली आइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ स्पेस, के घुमाने से स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ता. विच इज सेम एज ए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है यहां पर, वो दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं. ओके, उतनी अपना दिमाग नहीं है, डोंट वरी. समझ में आई मेरी बात? यदि मेरा चार्ज सेम है तो फील्ड भी सेम रहनी चाहिए. क्या फील्ड सेम रही? नहीं रही. इसका मतलब दिस फील्ड इज डेफिनेटली रॉन्ग. अब इसका आपको जिसको मैथमेटिकल प्रूफ लिखना हो लिखने की कोशिश कर लेना. ना मैक्सवेल लिख पाया था ना फेरेडे, अब आप ही है नेक्स्ट जो लिख पाएंगे. ओके, दैट्स इट. आर्ग्यूमेंट नंबर वन ओवर. कुछ बोलना है किसी को? आर्ग्यूमेंट क्लियर है मेरा? ओके, आप बोलते थे चलो दोनों में ऊपर मान लेते, देखो अब तो घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ा. बेटा घुमाने के लिए एक ही एक्सेस नहीं है मेरे पास, बहुत है. ऐसे घुमा दो. आप कैसे घुमा दो? इस एक्सेस के अबाउट. चार्ज अभी भी सेम है परंतु फील्ड, इसका मतलब ये फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. और इन सब घुमानों के दौरान, घुमाने के दौरान कीप ऑन चेकिंग द रेडियल फील्ड. क्या हमारे घुमाने से रेडियल फील्ड पे कोई फर्क पड़ रहा था? नहीं. चार्ज यदि सेम है तो फील्ड की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो हमने वो सब बाद में करेंगे. सबसे पहले हमने ये एस्टेब्लिश किया है विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिक्स, जस्ट बाय सिंपल प्योर लॉजिक वी हैव एस्टेब्लिश कि द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रेडियल. सपना नहीं आता कि गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगी. तो बिल्कुल ER इजिकल टू ई कैप इजिकल टू आर कैप हो गया एस्टेब्लिश कि नहीं हो गया? हो गया. यदि फील्ड होगी तो सिर्फ रेडियल होगी. टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कोहरेंट नहीं है वो. यदि हम स्पेस में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो क्या होता है? चार्ज तो सेम रह रहा है, अपन ने रोटेशन कर करके देखा, परंतु फील्ड पे फर्क पड़ रहा है, जबकि पड़ना नहीं चाहिए. हेंस पक्का बढ़ू मैं आगे. तो कौन सी सरफेस में इसको बंद करें कि कैलकुलेशन आसान पड़े? पॉइंट चार्ज को क्यूब के सेंटर में बंद कर दे. ये भी तो सिमेट्रिक है.
सिलेंडर के बीच में बंद कर दे, एसिमेट्रिक नहीं है वो, क्या बनाया था वो स्क्वायर बेस पिरामिड, उसे बंद कर दे, नहीं। वी हैव सीन उन सब जगहों पर ई डॉट डी ए करने में बहुत तकलीफ थी, हमने वहां पे ई डॉट डी ए किया था कि अवॉइड किया था, अवॉइड किया था हमने। हमें ऐसे सरफेस चुननी है जहां पे ई डॉट डी ए करना आसान पड़े विद दिस इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव डिराइव्ड। एंड ऑब्वियसली वी शुड चूज अ सरफेस जिसका एरिया वेक्टर भी आर कैप के अलोंग आ जाए, ताकि जब हम लोग अननोन के साथ डील करें तो हमारी फील्ड निकल के आए, फील्ड का रेडियल कंपोनेंट नहीं। नहीं तो यदि हम ये जाने ना, इनके लॉजिक से चले, यदि हम ना जाने ये चीज और यदि हम अब बना ले गॉसियन सरफेस और हमें मालूम नहीं हो, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, मेरी बात ध्यान से देखिएगा। ई वेक्टर डॉट, मान लीजिए मैंने गॉसियन सरफेस बना ली स्फेरिकल, तो मैंने डीए को तो क्या लिखा, डीए आर कैप, तो क्या बचेगा डॉट प्रोडक्ट के बाद, ए डॉट आई कैप में क्या बचता है बेटे, ओनली एक्स कंपोनेंट, नहीं पता है क्या आपको, तो क्या बचेगा सिर्फ आर कैप, रेडियल कंपोनेंट, तो टेंशन कंपोनेंट होगा भी तो मालूम नहीं चलेगा। इसी तरह से यदि मैं चार्ज क्यू लू और ऐसा स्फीयर बना लू नॉन कंसेंट्रिक, अब यदि मैं यहां पे करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग होगी, और हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो ये तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी राइट, और ये आर कैप की डायरेक्शन होगी, क्योंकि हम एस्टेब्लिश कर चुके चार्ज की, चार्ज पॉइंट चार्ज के फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती, यदि हमने उसको सेंटर पे नहीं रखा, समझ में आ रही मेरी बात, तो हम वो डॉट प्रोडक्ट करने जाएंगे तो हालत खराब वही हो जाएगी, कुछ नहीं होगा हमसे। इसी तरह से अंदर यदि चार्जेस एक से ज्यादा है, अब तो हमारे सारे लॉजिक ही उड़ गए, क्यों उड़ गए, अब घुमाने से चार्ज कॉन्फिगरेशन में चेंजेस आएंगे, तो फील्ड का भी चेंज होना स्वाभाविक है, तो हमारे सारे आर्ग्यूमेंट फेल हो जाएंगे। सिर्फ तभी काम करेंगे जब हम पॉइंट चार्ज लें, तब जाके ये प्रूव होगा। और फिर कैसी गॉसियन सरफेस बनाएं, कंसेंट्रिक स्फेरिकल, क्यों बनाए कंसेंट्रिक स्फेरिकल, ताकि एरिया वेक्टर और आर कैप सेम डायरेक्शन में, गॉट इट, हो गया काम। और हम पहले ही एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ई इज अलोंग आर कैप, कि नहीं कर चुके हैं, अभी तो प्रूव किया था मैंने, ओके, तो ये बन गया ईडीए। जो सबसे नलायक लोग होंगे सिर्फ गणित कॉपी कर रहे होंगे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा होगा उन्होंने, हाँ इसको घुमाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा जो पहले था, तो फिर ये वाले आर्ग्यूमेंट इसमें हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इसकी फील्ड की डायरेक्शन के बारे में कोई भी कमेंट करना संभव नहीं होगा। गॉट इट बेटा, ओके, यहां तक समझ में आई मेरी बात, इंटीग्रल ईडीए हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर से वापस आते हैं, ध्यान से देखिए, इधर फील्ड की वैल्यू और इधर फील्ड की वैल्यू आपने यदि बोला डिफरेंट है, तो मैं बोलूंगा इसको घुमा दो यार 90 डिग्री जरा गॉसियन सरफेस को, ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट में कोई अंतर तो है नहीं, क्योंकि मैं इसको इधर घुमाऊं तो ये पॉइंट ये बन जाता है, उधर घुमाऊं तो पॉइंट वो बन जाता है, इसका मतलब आर दूरी पर फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, सेम दूरी पर इससे फील्ड की वैल्यू सब जगह सेम होनी पड़ेगी। क्या मैं आर्ग्यूमेंट यहां दे सकता हूं, यहां तो खैर भूल ही जाइए कोई मतलब ही नहीं, यहां पर तो लॉजिकल है, यहां जो फील्ड की वैल्यू होगी वो यहां नहीं होगी, तो मैं यहां ये वाली जो अगली स्टेप करने जा रहा हूं कि ई को मैंने बाहर निकाल लिया, क्यों निकाल लिया, क्योंकि मैंने प्रूव किया है, क्या प्रूव किया मैंने, ई मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा, ये मैंने प्रूव किया है, आई हैव प्रूव्ड इट। सो सिंस आई हैव प्रूव्ड इट, मैं इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल सकता हूं, नहीं तो जिंदगी ऐसे चल जाएगी आपकी मस्त, एक सवाल हमेशा सही सॉल्व होगा आपके लॉजिक से, लेकिन एक ही,
ये है आपका सॉल्यूशन, सुन रहे भाई साहब? हाँ बढ़ू मैं आगे, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। इनफैक्ट यदि आप ध्यान दें, डीए वेक्टर का यदि इंटीग्रल होता ना, ये तो जीरो आता, क्योंकि जितना इधर पॉजिटिव एरिया एग्जैक्टली उधर इतना नेगेटिव एरिया। ये डीए वेक्टर का इंटीग्रल नहीं है, ये वेक्टर तो खा गए अपन डॉट प्रोडक्ट में पहले ही। अब इसको हम क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे बाय गॉस लॉ। अभी तक तुमने गॉस लॉ का नाम ही नहीं लिया है, यहां तक आपने ध्यान दिया हो तो नो गॉस लॉ, वी जस्ट ट्राइंग टू इवैल्यूएट दिस। गॉस लॉ बहुत तो बाद में लगाएंगे, इस लायक तो बने गॉस का नाम लेने लायक तो बने अपन। अब इसके इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अरे गॉस लॉ से कर सकते हैं ना इसको, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो आंसर आ जाएगी फील्ड की वैल्यू। तो सारी प्रॉब्लम ये